पंजाब दा एक नगर सी जिसका नाम चब्बा सी। ते चब्बा नगर विच एक सुलक्षणी नाम दी औरत सी। सुलक्षणी दे व्याह नू करीब 15 साल हो चुके सन, पर अज तक उसके घर कोई औलाद नहीं हुई। सुलक्षणी ने औलाद दा सुख प्राप्त करन लई बहुत सारे उपचार किए। अनेक धार्मिक स्थानों ते जाके औलाद प्राप्ति लई प्रार्थनावां भी कीतियां। वड्डे वड्डे महापुरशां दे कोल भी अपनी बेनती लैके पहुंची, पर सारिया पासों एक ही जवाब मिलिया, तेरी किस्मत विच औलाद दा सुख लिखिया ही नहीं, ते तू बस संतोख रख। पर सुलक्षणी दे दिल विच सबर नहीं सी आउंदा। जदों ओ लोकां दे बच्चियां नू देखदी तां निराश हो जांदी, ते कई वारी चिंता विच आण के परमात्मा नू वी कोसदी। हौली हौली सुलक्षणी दी उम्र बुढ़ापे वल वधदी जा रही सी, ते ओ अक्सर चिंता विच डुब्बी रहिंदी। पुछ पड़ताल करदिआं करदिआं एक दिन उस औरत नू एक गुरु दा सिख मिलिआ, जिसने उस नू श्री गुरु नानक देव जी दे वारिस श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बारे दस्या, ते कहा कि तुसी एक वारी उन्हां कोल अरदास करो। एक दिन जदों सुलक्षणी नू पता लग्या कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी चब्बा ग्राम दे नज़दीक जंगलों विच शिकार खेडण आए हन, तां उह तुरंत गुरु जी दा रस्ता रोक के खड़ी हो गई। तां गुरु जी ने उस औरत नू बड़े नरम सुभा नाल पुछया कि तुहानू की चाहिदा है जिहड़ा तुसी सानू रस्ते विच ही रोक लिया है। तां गुरु जी दे दर्शन पा के सुलक्षणी दे अखां विच हंजू आ गए, ते उसने दोनों हथ जोड़ के गुरु जी अगे बड़ी आत्म विश्वास नाल बेनती कीती कि हे गुरु नानक देव जी दे वारिस, मेरे उत्ते किरपा करो ते मेरी कुख हरी कर दिओ, नहीं तां मैं इस संसार तों नपुत्ती ही चली जावांगी। तां गुरु जी ने जदों उस औरत नूं ध्यान नाल देखिया ते कहा कि माता जी, तुहाडी किस्मत विच औलाद दा सुख नहीं लिखिया। तां गुरु जी दे मूहों इह गल सुण के सुलक्षणी गुरु जी दे पास चली गई, ते उहनां दे हथ विच उसने एक कलम दवात ते कागज़ फड़ा दिता, ते गुरु जी दे चरणां नूं फड़ के आखण लगी, आप जी ते प्रभु जी विच कोई फर्क नहीं है। जेकर मेरी किस्मत विच पहला औलाद दा सुख नहीं लिखिया तां कोई गल नहीं, तुसी किरपा करो ते हुण लिख दिओ। सुलक्षणी दी निर्धारित जुगती नूं वेख के गुरु जी मुस्कुराए, ते उहनां ने कलम नूं दवात विच डोबिया ते कागज़ उत्ते एक लिखणा शुरू कर दिता। गुरु जी ने हाले एक लिखणा शुरू ही कीता सी कि उहनां दे घोड़े ने अपनी एक लत हिला दित्ती, जिस दे नाल गुरु जी दी कलम हिल गई ते कागज़ उत्ते एक लिखण दी बजाए 7 लिखिया गया। जिस तों बाद गुरु जी ने सुलक्षणी नूं कहा कि लै माता, तू तां एक पुत्तर चाहुंदी सी, पर परमात्मा नूं कुछ होर ही मंजूर है। हुण तुहाडे करे एक नहीं बल्कि 7 पुत्तर जन्म लैणगे। गुरु जी दा वचन पूरा होया। कुछ समा पा के माता सुलक्षणी जी दे घर 7 पुत्तरां ने जन्म लिया, ते माता सुलक्षणी ने गुरु जी दा शुकराना करदिआं अपने पुत्तरां नूं इन्ने चंगे संस्कार दित्ते कि उसदे 7 पुत्तर श्री गुरु नानक देव जी दे पंथ उत्ते बेहद शरदा भगती रखदे सन। गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी दे भगतां ते महापुरखां दे मूंह विच्चों निकले बचन कदे खाली नहीं जांदे, हमेशा सच ही हुंदे हन। गुरबाणी विच वी लिखिआ है कि नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। सत नाम श्री वाहिगुरु।